विराट कोहली बहुत बड़े एक लेजेंड हैं। जो बाबर का स्ट्राइक रेट है वो विराट के मुकाबले में थोड़ा कम है। इनिंग्स लगाई है ना पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में, उसने प्रूफ कर दिया है। विराट कोहली इज अ वंडरफुल प्लेयर। विराट कोहली कैसा लगता है आपको? विराट कोहली बहुत टैलेंटेड और बहुत गुड लुकिंग है, लेकिन कोहली कैसा बैट्समैन है? वो अपनी जगह पे बहुत अच्छे बैट्समैन है, बहुत नाम है उनका। और नहीं विराट कैसा लगता है? बस ओवररेटेड। बाबर इज नॉट नंबर वन, विराट इज नंबर वन, देयर इज नो कंपैरिजन। बाबर आजम और विराट कोहली का अक्सर कंपैरिजन किया जाता है, तो पाकिस्तानी गर्ल्स को कौन सा पसंद है ज्यादा, बाबर आजम या विराट कोहली? तो विराट कोहली को हम कह सकते हैं कि सब कॉन्टिनेंटल ब्रेडमैन है। विराट कोहली इंडिया का है, हमें कोई ताल्लुक नहीं है उससे। इंडिया का इसलिए नहीं? हाँ इंडिया का। अच्छा, पाकिस्तानी गर्ल्स कहती है हैंडसम है ज्यादा बाबर आजम, तो विराट हैंडसम होगा अपने मुल्क का। बाबर आजम और विराट कोहली का कंपैरिजन किया जाए तो क्या कहते हैं दोनों? तो बाबर एक डिफरेंट क्लास है, विराट सीनियर है बाबर से, लेकिन बाबर जिस तरह परफॉर्म कर रहे हैं कंटिन्यूस, हमें उनको सपोर्ट करनी चाहिए ताकि वो फ्यूचर में ऐसा ही परफॉर्म कर सकें। दोनों में डिफरेंस क्या है विराट में? जो बाबर का स्ट्राइक रेट है वो विराट के मुकाबले में थोड़ा कम है। बाबर के पास कॉन्फिडेंस है, शॉर्ट सिलेक्शन है, लेकिन जो विराट है वो हर तरह की गेम खेल सकता है, वो तेज भी खेल लेता है। बाबर भाई ने अब तेज खेलना शुरू किया है, उन्होंने 100 भी किया है। इंशाल्लाह हम उनको सपोर्ट करेंगे ताकि फ्यूचर में वो विराट कोहली के सारे रिकॉर्ड तोड़ सकें। थैंक यू। विराट कोहली और बाबर आजम में देखा जाए तो क्या कहेंगे दोनों का कंपैरिजन अगर किया? नहीं सर, देखें बहुत आर क्लास, दोनों की एक अलग अलग क्लास है। बहुत कोहली भी लेजेंड है जी, बिल्कुल वो लेजेंड है, और बाबर भी लेजेंड है। बोथ आर लिविंग लेजेंड ऑफ दिस एरा। ठीक है, इनके डिफरेंस कोई भी नहीं है दोनों में। देखिए हर किसी की अपनी क्लास होती है, बाबर की एक अलग क्लास है, कोहली की एक अलग क्लास है। ठीक है, तो ये विराट कोहली कैसे लगते हैं? विराट कोहली इज अ वंडरफुल प्लेयर। आपको विराट कोहली कैसे लगते हैं? अच्छे प्लेयर, अच्छे लगते हैं। दोनों में कंपैरिजन किया जाए तो कैसा लगता है? कंपैरिजन बनता ही नहीं है, दोनों अपने अपनी तरह के प्लेयर है। बाबर पाकिस्तान के लिए लेवल है, दोनों का अलग लेवल है। थैंक यू। बाबर और विराट कोहली का कंपैरिजन किया जाए तो क्या लगता है? आई गेस के बाबर को हमें मतलब कोहली एक इज अ गुड प्लेयर, लेकिन जो क्लास बाबर की है, जिस तरीके से विनिंग स्ट्रीक्स बाबर लेके जा रहा है, हर फॉर्मेट में स्कोर करता है, अल्लाह का शुक्र है और हम सब की दुआएं उसके साथ। विराट और बाबर में डिफरेंस क्या है? आई गेस के अगर हम लोग कहें कि बाबर जो है वो एशियन ब्रेडमैन है, तो विराट कोहली को हम कह सकते हैं कि सब कॉन्टिनेंटल ब्रेडमैन है। तो दोनों लेजेंड है, बहुत ऑफ देम आर लेजेंड। विराट कोहली और बाबर आजम का कंपैरिजन किया जाए तो कौन सा बेटर है? नो कंपैरिजन है ही नहीं। बाबर इज नॉट नंबर वन, विराट इज नंबर वन, देयर इज नो कंपैरिजन। इनका 10 साल का विराट इज नंबर वन, विराट कोहली, विराट इज नंबर वन। इनिंग्स लगाई है ना पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में, उसने प्रूफ कर दिया है। आज भी रोंगटे खड़े होते हैं यार, उसने वो इस जनरेशन का लेजेंड है, बेस्ट बैट्समैन है। बाबर आजम और विराट का कोई कंपैरिजन नहीं है। बाबर आजम 10 साल बाद पूछेंगे फिर हम बताएंगे। हेड एंड शोल्डर नो डाउट क्लास है, लेकिन अभी कंपैरिजन छोटा है, 10 साल छोटा है विराट, देयर इज नो कंपैरिजन। ठीक, थैंक यू। बाबर आजम और विराट कोहली का अक्सर कंपैरिजन किया जाता है, तो पाकिस्तानी गर्ल्स को कौन सा पसंद है ज्यादा, बाबर आजम या विराट कोहली? मैं तो पाकिस्तान को ही सपोर्ट करूंगी, और मुझे तो बाबर आजम ही अच्छा लगेगा ऑफ कोर्स। और विराट कोहली को अगर देखा जाए तो विराट कोहली कैसा बैट्समैन है? वो अपनी जगह पे बहुत अच्छे बैट्समैन है, बहुत नाम है उनका ऑफ कोर्स, लेकिन मैं पाकिस्तान से, तो मैं तो बाबर आजम को ही सपोर्ट करूँगी। अच्छा, दुनिया कहती है कि अभी विराट कोहली और बाबर आजम का कंपैरिजन नहीं बनता, 10 साल बाद बनता है, तो ये आप इस पे एग्री करते हैं कि विराट कोहली एक लिविंग लेजेंड है? बिल्कुल, विराट कोहली बहुत बड़े एक लेजेंड है, लेकिन कंपैरिजन आई थिंक नहीं करना चाहिए। हर कोई अपने विराट के एक अलग क्लास है, बाबर की अलग क्लास है, तो दोनों को कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है ऐसा। ठीक, थैंक यू। बाबर आजम का विराट कोहली से कंपैरिजन किया जाता है तो क्या कहना चाहिए? विराट इज बेस्ट या बाबर इज बेस्ट? जी, कोई मुकाबला ही नहीं है किसी भी जगह पे। बाबर कहते हैं कि विराट जो है वो जी नहीं, बाबर है। अच्छा, हाँ जी। विराट कैसा बैट्समैन? विराट भी अच्छा है, लेकिन बाबर पाकिस्तान को हर फेंटा लगा देता है। बस वो तो अब इज द पार्ट ऑफ द गेम, और क्रिकेट के अंदर हार जीत तो होती है, लेकिन ये कि बाबर इज द बेस्ट। बाबर बेस्ट। ठीक, थैंक यू। बाबर और विराट का कंपैरिजन किया जाता है, विराट कोहली और बाबर आजम में क्या लगता है, पाकिस्तानी गर्ल्स किसको ज्यादा पसंद करती है? बाबर आजम। विराट कोहली कैसा लगता है आपको? विराट कोहली बहुत टैलेंटेड और बहुत गुड लुकिंग है, लेकिन बाबर आजम फिर अपने पाकिस्तान की क्यों नहीं, हम उनके साथ हो गए तो यार। लेकिन अगर विराट कोहली की बात करें तो हैंडसम कौन ज्यादा, बाबर आजम? बाबर आजम। अच्छा, आज बाबर आजम की बैटिंग कैसी लगी आपको? कमाल कमाल। हाँ। आप फैन बाबर आजम की हैं? हाँ बहुत ज्यादा। अच्छा हाँ, अगर बाबर आजम और विराट कोहली का कंपैरिजन किया जाए तो पाकिस्तानी गर्ल्स किसको ज्यादा पसंद करती है? बाबर आजम ऑब्वियसली। विराट कोहली को क्यों नहीं पसंद करती? विराट कोहली इंडिया का है, हमें कोई ताल्लुक नहीं है उससे। इंडिया का इसलिए नहीं? हाँ इंडिया का। अच्छा पाकिस्तानी गर्ल्स कहती है हैंडसम है ज्यादा बाबर आजम से विराट? हैंडसम होगा अपने मुल्क का, लेकिन बाबर आजम हमारा फेवरेट है। बाबर आजम फेवरेट है, ठीक है, थैंक यू। बाबर आजम और विराट कोहली का कंपैरिजन किया जाता है, दोनों में से बेस्ट कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह बाबर आजम जिंदाबाद यार। ये सिर्फ पाकिस्तानी इसलिए तो नहीं कह रहे हैं। नहीं नहीं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, दुनिया कह रही है कि जो विराट कोहली उसका कोई कंपैरिजन नहीं बाबर से। यार बाबर आजम जैसा कोई नहीं बन सकता आजकल। मैं तो ये मेरे से विराट कोहली कैसा है? विराट कोहली मेरे जनाब फैन है, मैं उनका फैन हूँ बहुत। विराट कोहली भी आपके दिल में है? यार विराट भी आपके दिल में, विराट भी मेरे दिल में, दोनों भी दिल में रख सकते हैं ना। जी हाँ, इस तरह क्यों नहीं यार, इस तरह तो नहीं है कि जना वो भी हमारे जना भाई है, जना अल्लाह पाक उनको खुश रखे। बाबर और विराट का कंपेरिजन किया जाए तो फिर कौन? बाबर। विराट नहीं, कैसा लगता है? बस ओवररेटेड। पाकिस्तान का फेंटा तो विराट ही लगाता है। कोई बात नहीं, सिर्फ पाकिस्तान का लगाता है और 3 साल बाद सेंचुरी लगी है उससे। अच्छा हाँ जी, तो आपको नहीं लगता विराट अच्छा है? अच्छा होगा अपनी कंट्री में, ठीक होगा, कोई नहीं अच्छा इसलिए अपने कहते हैं। नंबर 1 कौन है ओडीआई में? कौन है तो फिर वो अब तो पहले तो कोहली भी रहा। कौन है एक अरसे में? कोहली। आप कौन है? आप कौन है? तो फिर बाबर ही है। पास की बात कौन करता है? पास की बात कौन करता है? सब प्रेजेंट के बारे में बात करते हैं। थैंक यू।